फाइनली दोस्तों निकॉन का ZF का फर्स्ट अनबॉक्सिंग रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सटर्नली फर्स्ट लुक रिव्यू आज शेयर करूँगा, जल्दी ही इसके आगे फीचर्स का रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप इस कैमरे को देखेंगे ना गौर से तो आपको एक पुराने कैमरे की याद ज़रूर आएगी, जो कि निकॉन का ZFC कैमरा है, जो कि निकॉन का APS-C कैमरा है, क्रॉप सेंसर वाला। बट आप गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये वही कैमरा है। मैं आपको बता दूं, ये निकॉन का ZF फुल फ्रेम कैमरा है। अगर आप इसके एक्सटर्नली पार्ट्स को देखेंगे, डिज़ाइन को देखेंगे, तो बिल्कुल ZFC की तरह ही लुक दिया हुआ है। अपर डायल की बात करूं, फ्रंट डायल, बैक बटन्स की बात करूं, बिल्कुल सेम दिखने वाला ये कैमरा है। एंड दोस्तों निकॉन ने बहुत लंबे समय के बाद फुल फ्रेम में एक बेस्ट कैमरे को लॉन्च किया है, जो कि 2 लाख के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सेंसर की बात करूँ तो देखिए 24.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे फुल फ्रेम BSI सेंसर आपको देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो निकॉन Z6 II का अपग्रेड ही है, क्योंकि इंटरनल जो भी फीचर्स है इसमें वो निकॉन Z6 से काफ़ी अपडेटेड है। क्योंकि अगर मैं ऑटो फोकस की बात करूँ, ऑटो फोकस एल्गोरिदम की बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा न्यू ट्रेंडिंग वाला है, जो निकॉन Z9 या फिर निकॉन Z8 कैमरे में आपको देखने को मिलता है। यहाँ अगर मैं टॉप डायल्स की बात करूँ तो वही शटर स्पीड डायल है, अपर्चर डायल है, एक्सपोजर कंपनसेशन डायल दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, छोटी सी LCD दी हुई है, जिसमें आप करंट टाइम में क्या अपर्चर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो शो होगा। बैक बटन प्लेसमेंट में एक चीज़ बहुत बड़ी मिसिंग दी हुई है, ऑब्वियसली कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जो कि Z6 II में भी दिया हुआ है, जो कि फोटोग्राफी करते टाइम जब भी आप ऑटो फोकस पॉइंट्स को यूज़ करते थे, या फिर वीडियोग्राफी करते टाइम जब भी ऑटो फोकस पॉइंट्स को यूज़ करते थे, तो जॉयस्टिक का यूज़ बहुत ही इजी हो जाता था उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, उस बटन को यहाँ पे मिस कर दिया गया है। टॉप डायल साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ये दिया गया है कि फोटोग्राफी मोड, वीडियोग्राफी मोड, और साथ ही साथ ब्लैक एंड वाइट। जिनको यार ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए डेडिकेटेड एक ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, जो कि आप स्विच के द्वारा आप इसको चेंज कर सकते हो, जहाँ पे फोटो मोड और वीडियो मोड दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। वेरी एंगल LCD पैनल, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी था, और ये भी मिसिंग था, क्योंकि जब भी निकॉन यूज़र इस चीज़ को देखते थे तो एक चीज़ और कमी उनको लगती थी कि यार वेरी एंगल होना ज़रूरी है। इनके Z5 Z6 II में टिल्ट ऑप्शन ही आता था, बट इसमें ZF में फाइनली वेरी एंगल का ऑप्शन दे दिया है, काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, चाहे व्यूफाइंडर की बात करूँ या फिर LCD पैनल की बात करूँ, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और क्लियर देखने को मिलता है। वेडिंग्स में देखिए, USB पोर्ट्स की बात करूँ, बेसिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता, जैसे HDMI आउटपुट नहीं लेते हैं वो, बेसिकली चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, हेडफोन माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट Z6 II में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है ना, HDMI पोर्ट के थ्रू आप एक्सटर्नल ProRes RAW भी शूट कर सकते थे, बट इसमें देखा जाए तो एनालॉग 10 बिट के साथ ये सपोर्टेड है, और एक्स्ट्रा कुछ भी आप शूट नहीं कर सकते हैं। साथ ही कैमरे की अगर मैं कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो देखिए, देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे ड्यूल कार्ड स्लॉट है, बट कहीं ना कहीं जो माइक्रो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है डेडिकेटेड, ठीक है अगर आप काफ़ी लो रेजोल्यूशन शूट कर रहे तो उसके लिए ठीक है, बट एक हाईर रेजोल्यूशन लाइक 10 बिट आप शूट करेंगे, अनलॉक शूट करेंगे, HLG शूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हाई स्पीड कार्ड की ज़रूरत होगी, जो कि UHS-II सपोर्टेड है। और जो दोनों ऑप्शन है वो आपको बैटरी के पास ही प्लेसमेंट दिया हुआ है। साथ ही साथ बैटरी की बात करें तो जो 15C वाली बैटरी है, सेम वही बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा से मैं कहता था कि यार ZF कैमरा जो अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, बट वेट की बात करूँ तो यार अच्छा खासा वेट दिया हुआ है इसमें। एक और चीज़ बहुत बड़ी इसमें मिसिंग दी हुई है, हालांकि देखिए जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होते हैं वो गिम्बल का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत रियर केस में यूज़ होता है, ट्रेडिशनल वाले तो करते ही नहीं है, बट इसमें जो कैमरामैन ने ग्रिप है ना, क्योंकि हाथों से यार हैंड शूट बहुत ज़्यादा होता है उनका, तो यहाँ पे ना के बराबर ग्रिप दिया हुआ है। हालांकि कंपनी ने इसमें स्मॉल रिग का एक ग्रिप दिया हुआ है, और ग्रिप के बगैर मुझे ज़रा भी फील नहीं आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट ऑप्शन है। बट कंपनी ने इस समय ऑफ़र में जो स्मॉल रिग का जो यहाँ पे ग्रिपिंग का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जो कि ऑफ़र में चल रहा है, और अगर आप करंट टाइम में इसको अगर परचेज़ करते हैं कैमरे को, तो अभी ये ऑफ़र में आपको मिल जाएगा। पता नहीं है कि ये कंटिन्यू चलेगा या फिर स्टार्टिंग में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो यहाँ पे ये ग्रिप आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ क्या है कि देखिए 3 होल दिए हुए हैं, जब भी आपको ट्राइपॉड में यूज़ करना है तो आप इन होल्स के थ्रू वहाँ पे फिट कर सकते हैं, आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिट होने के बाद
कुछ ऐसा दिखने वाला है। और अभी अगर मैं कुछ इसकी ग्रिपिंग की बात करूँ, ठीक है, हैंडलिंग की बात करूँ, तो अब थोड़ा सा बेटर फील आपको होगा। पहले तो बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा था, बट अब जो ग्रिपिंग है ना, वो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और अभी जो हैंड फील बताऊँ तो ठीक है, अच्छा है, बट क्या है कि कैमरे का वेट इतना है ना, 750 ग्राम के आसपास है, तो थोड़ा सा हैवी है। इसको थोड़ा सा ना लाइट वेट बनाना था, क्योंकि देखिए आज के टाइम जो ट्रेडिशनल यूज़र होते हैं, सिनेमाटोग्राफर होते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कैमरा की उनकी डिमांड है। जल्दी दोस्तों इस कैमरे के और भी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। जो भी भाई लोग इस कैमरे को परचेज़ किए हैं, बिल्कुल निराश मत होना। अभी थोड़ा सीज़न चल रहा था, इस वजह से क्या है कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था अपने चैनल को, और बहुत ज़्यादा गैप भी हो गया है। जल्दी आपके लिए इसका रिव्यू, सेटिंग्स का रिव्यू वीडियो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, ठीक है, रिलेटेड सब वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड, इस कैमरा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैं उनको कमेंट्स के थ्रू भी बता सकता हूँ, आप ज़रूर पूछ लेना क्वेश्चन। यहाँ अगर मैं इंटरनल मेन्यूज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो देखिए, जिस ब्लैक एंड वाइट मोड की बात कर रहा था, यहाँ भी वो सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपली आपको स्विच करना है, और आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और ब्लैक एंड वाइट का मोड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। सडनली आपको एक ब्लैक एंड वाइट शॉट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। और मेन्यू की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अंदर का ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज कलर्स वही देखने को मिलते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस कुछ आपको Z8 और Z9 में जैसे डिज़ाइन दिए हुए ना सेटिंग्स के, कुछ ऐसा फील आएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगा कि कुछ दिया हुआ है। अदरवाइज कलर्स आपको सेम वही ब्लैक, पिंक, हल्का रेड और यही ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ दोस्तों। जल्दी आपके लिए और भी वीडियो में लाता रहूँगा दोस्तों चैनल पे। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।